दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 11, 12 और 12 ए में ईवी एक्सपो का 19वें संस्करण का शुभारंभ 22, 23 और 24 दिसंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें ई साइकिल, ई स्कूटर, ई बाइक, ई रिक्शा, लोडर गाड़ियां और ई बस से लेकर ई वाहनों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ कई प्रदर्शक ईवी सहायक उपकरण, पार्ट्स, सेवाएं, बैटरी चार्जिंग स्टेशन और संबद्ध उत्पाद का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवी इलेक्ट्रिक बाइक ने एलईडी प्रोजेक्टर लाइट और ड्यूअल डिस्क वेब ब्रेक वाला नया वेस्पा प्रो ई स्कूटर लॉन्च किया है। इसमें 62,000 रुपये में उपलब्ध 72 वाट लीड बैटरी शामिल है। प्रति चार्ज 70 किलोमीटर की रेंज की ये बैटरी आपको दिखाई पड़ेगी। आरटीएस ईवी टेक प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली मिड ड्राइव 10-40 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश की है। नान्या एयरकॉन भारत में पहली बार ऊर्जा कुशल अंतर में 10,000 रुपये की बचत के साथ वाहन के माइलेज को 20% तक बढ़ाकर वाहन का जीवन बढ़ाया है। दिल्ली की विक्रिया ई किराना सुविधा स्टोर, सब्जी और फल कार्ट और ई रसोई में ई कार्ट अपने अनुकूलन का प्रदर्शन कर रहा है। प्रतिस्पर्धी तकनीकी विशेषताओं के साथ वाहन इष्टतम प्रदर्शन प्रदान करता है। चार्ज क्यू LAVDC लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल DCT चार्जर के साथ यह 2-3 पहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जर है। ईवी के लिए पोर्टेबल पावर बैंक और 10 किलोवाट हॉर्स से लेकर 150 किलोवाट हॉर्स रेंज के मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी प्रदर्शित किए गए हैं। सुदर्शन व्हील्स भारत ई स्कूटी के लिए ट्यूबलेस व्हील और भारत में ट्यूबलेस व्हील के निर्माण के लिए एक नया कारखाना खोलना और पायलट इंडस्ट्रीज ने 5वीं पीढ़ी की ई रिक्शा बैटरी लॉन्च की है। आइए देखते हैं ईवी एक्सपो प्रगति मैदान में चल रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नज़ारा। आइए देखते हैं ईवी एक्सपो प्रगति मैदान का नज़ारा।